हेलो फ्रेंड्स, मैं तेज आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक गार्डनिंग में। आई होप आप अपना, अपने फैमिली का और अपने प्लांट्स का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है जिंजर रिजल्ट। हमने एक महीने पहले जिंजर लगाई थी और ये एक महीने के बाद ये इसने इतनी ग्रोथ कर ली है। इसका रिजल्ट मुझे आपको दिखाना था। अब मैं जो इसके अंदर जो ये जिंजर लगी हुई है वो हम निकाल के देखेंगे कि इसकी रूट्स कितनी बढ़ गई है और इसने ग्रो भी काफ़ी अच्छा कर लिया है। इस जिंजर को हम उखाड़ने के लिए ये खुरपी का यूज़ करेंगे। बाकी आप एकदम आराम से इसको निकालें, लाइक एज ए केक, जैसे आप केक काटते हैं वैसे ही इसकी सोइल को आप काटिए। गार्डनिंग में आपको डरना नहीं है। अगर आप गार्डनिंग में डर जाएंगे तो आप गार्डनिंग कर ही नहीं पाएंगे, और अगर थोड़ी बहुत रूट्स टूट भी जाएं तो आपको डरना नहीं है। ये देखिए हमारी अदरक ने काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है, इसकी रूट्स भी काफ़ी अच्छी हो गई है। ये देखिए ये फर्स्ट है, वैसे ही ये हम दूसरी उखाड़ेंगे। जिंजर रूट लेवल से ही अपनी ग्रोथ करती है और ये अंदर ही अंदर काफी जिंजर ही जिंजर प्रोड्यूस कर देगी ये। ये देखिए काफी अच्छी ग्रोथ चल रही है इसकी रूट्स की। अभी मैं इन सभी जिंजर को आपको धो के दिखाऊंगा, फिर आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि इसकी रूट्स कैसे डेवलप हुई है और ये कहाँ से इसने लीव्स निकाल लिए हैं, आपको सब पता लग जाएगा। ये देखिए जबरदस्त ग्रोथ चल रही है इसकी। आप जब भी कोई प्लांट उखाड़ें तो आपको घबराना नहीं है कि इसकी जो रूट्स हैं उनको हवा लग जाएगी या फिर ये प्लांट हमारा खराब हो जाएगा या फिर इसकी रूट्स हमसे टूट जाएंगी। आपको गार्डनिंग में डरना नहीं है। अगर आप गार्डनिंग में डर जाएंगे तो आपसे गार्डनिंग हो ही नहीं पाएगी। अब मैं जितने भी ये जिंजर के प्लांट हैं मैं आपको इसको धो के दिखाता हूँ। धोने के बाद जिंजर कुछ इस टाइप की दिख रही है। ये देखिए मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। ये देखिए इतनी इसकी जबरदस्त ग्रोथ चल रही है। ये सेकंड वाली, ये जो एक महीने का रिजल्ट है मैं आपको शो कर रहा हूं। ये देखिए ये रूट लेवल से अदरक बनाती रहती है। अब आप ये देखिए यहाँ से अब ये एक नई अदरक बन रही है।
इस पूरे पॉट को भरने में 10 महीने या एक साल लग जाता है। सारी अदरक हेल्दी है और काफी जबरदस्त ग्रोथ चल रही है इनकी। अब हम वापस एक एक करके इसको वापस रिपोर्ट कर देंगे। ये आपको दिखाने के लिए था कि इसका एक महीने का रिजल्ट क्या है। अब हम इन सभी जिंजर को एक एक करके वापस सोइल में लगाएंगे। आपको याद होगा मैंने एक महीने पहले 4 अदरक के टुकड़े लिए थे ग्रो करने के लिए इस पॉट में। मैंने 4 अदरक के टुकड़े ही क्यों लिए, ये आपको याद होगा। जो 4 अदरक के टुकड़े हैं उनको ग्रो होने के लिए और फैलने के लिए काफ़ी स्पेस चाहिए, और अगर मैं यही अगर 8 से 10 अगर टुकड़े डाल देता तो इस पॉट के अंदर ये इतने ज़्यादा जर्मिनेट भी नहीं हो पाते। अगर आपको ज़्यादा जिंजर अगर ग्रो करनी है तो आपको बड़ा कंटेनर लेना होगा। बड़े कंटेनर में काफ़ी मात्रा में ये जिंजर प्रोड्यूस करेगा। मैंने जो इसको ग्रो किया था वो वीडियो मेरा अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक ऊपर आ रहा है, और एक लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, और लाइफ में हमेशा खुश और चिल रहें। थैंक यू, और हमेशा हंसते रहें। Bye.